OnePlus 3T एक ऐसा फोन है जिसका मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल है। समय समय पर कुछ फोन्स आते हैं जो कि इसे टक्कर देने की कोशिश करते हैं, और अब Samsung ने भी हाल ही में अपना एक नया फोन निकाला है जो कि OnePlus 3T के प्राइस रेंज के आसपास ही है, जिसका नाम है Samsung Galaxy C7 Pro। तो आज के Ask 91 सेक्शन में देखते हैं कि क्या Samsung OnePlus को मात दे पाएगा या फिर Samsung Galaxy C7 Pro एक रेगुलर फोन की श्रेणी में शामिल होकर रह जाएगा। डिजाइन और लुक्स की बात की जाए तो Samsung Galaxy C7 Pro और OnePlus 3T दोनों ही मेटल बॉडी की वजह से प्रीमियम कैटेगरी में शामिल होते हैं, और आपको दोनों ही फोन्स हाथ में भारी नहीं लगेंगे, और दोनों फोन्स की थिकनेस भी ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आप गौर करेंगे तो दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर भी इनके फ्रंट में दिया है, जिसका मतलब यह है कि दोनों ही फोन्स बनाने में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है, क्योंकि डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव इशू है, किसी को कोई डिज़ाइन पसंद आएगा तो किसी को दूसरा। डिस्प्ले की बात की जाए तो OnePlus 3T में दिया है 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले, जबकि Samsung C7 Pro में दिया है 5.7 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और जब आप इन दोनों फोन्स को एक साथ देखेंगे तो आपको इन दोनों फोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा। दोनों एट पार हैं, दोनों की ब्राइटनेस, कलर लेवल्स और ब्लैक लेवल्स एकदम परफेक्ट हैं, और आप इन दोनों फोन्स को आसानी से तेज धूप में यूज़ कर पाएंगे। कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो Samsung C7 Pro और OnePlus 3T दोनों में कड़ी टक्कर होती है, क्योंकि दोनों फोन्स में 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा मिलता है, और इनके अपर्चर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, इसलिए इस पॉइंट पे इन दोनों फोन्स में टाई होता है। अब सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे OnePlus कई सारे फ़ोन से आगे निकल जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही केस है, क्योंकि OnePlus 3T में दिया है ऑक्सीजन OS वाला एंड्रॉयड नोगा जो कि काफ़ी स्मूथ है और ऑप्टिमाइज है, जबकि Samsung में आपको मिलेगा TouchWiz UI वाला एंड्रॉयड मार्शमेलो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। OnePlus 3T को हम हमेशा से एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन कहते आए हैं, क्योंकि आपको कम दाम में ये फ़ोन टॉप नॉच स्पेक्स ऑफर करता है, और इसी वजह से परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फ़ोन Samsung C7 Pro से आगे निकलता है, क्योंकि इसमें आपको Snapdragon 821 प्रोसेसर मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल है, जबकि Samsung C7 Pro में दिया है 626 प्रोसेसर जो कि अच्छा है लेकिन OnePlus के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जब बात बैटरी की आती है तो दोनों फ़ोन्स का मुकाबला एक बराबर ही है, क्योंकि Samsung C7 Pro में आपको 3300 mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि OnePlus 3T में आपको मिलेगी 3400 mAh की बैटरी। रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो जहां एक और OnePlus 3T अपनी 6GB रैम की वजह से आगे माना जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर Samsung Galaxy C7 Pro अपनी स्टोरेज की वजह से आगे माना जाएगा, क्योंकि उसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी मिलती है, जबकि OnePlus 3T में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। अब दोनों फोन्स में तगड़ा कॉम्पिटिशन है, लेकिन जहाँ Samsung पीछे रहता है वो है प्रोसेसर और रैम, पर Samsung अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस, अपने कम प्राइस रेंज और अपनी एक्सपेंडेबल स्टोरेज की वजह से कुछ कम नहीं। तो ये अब आपका डिसीजन है कि आपको एक ब्रांडेड फ़ोन चाहिए या फिर एक फ्लैगशिप किलर। तो ये था OnePlus 3T और Samsung Galaxy C7 Pro का एक कंपैरिजन ओवरव्यू। अगर आपको इन फोन्स को लेकर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर में जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @KeshavKhera। Until then, this is Keshav Khera, signing off.